Thank you so very much for that generous introduction. It is so lovely to see all 80 of you here today. It is a sight that isn't very common, where people come together for the betterment of students and to provide the ability and the tools for us to move forward in the most productive way that we can. आज मेरी आप सबसे बात करने में बस एक इच्छा है कि मैं यहाँ पे आके कोई टॉक या कोई स्पीच नहीं दूँ. मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस कैमरा में देखूँ, मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूँ और मैं आप सबसे पर्सनली बात कर रहा हूँ और आप लोगों को ACCA के बारे में बताने के साथ साथ अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बता पाऊँ कि मैंने ACCA को कैसे देखा अपनी आंखों से. क्योंकि आप सब के थ्रू क्या पता किसी और स्टूडेंट को हेल्प मिले जिसकी सिचुएशन मेरी जैसी हो और उसे भी समझ आए कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को अप्रोच कर सकता है. नाउ बिफोर आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट ACCA, आई वांट टू से थैंक यू टू मिस्टर जांगीर हु जस्ट स्पोक बिफोर मी. जब वो बात कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था अरे तो बहुत बड़ा टॉल टास्क हो गया इनके बाद बात करना, पर थैंक यू सर फॉर बीइंग अ माउंटेन दैट वी ऑल कैन लुक एट एंड ट्राई टू क्लाइम वन डे. तो ACCA क्या है? ACCA का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स है. जैसे इंडिया में हमारा CA होता है, ये UK बेस्ड एक CA प्लेटफॉर्म है जो आपको एग्जाम्स और ट्यूशंस प्रोवाइड करता है टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसकी जो लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी होती है वो एक UK की मास्टर्स डिग्री के बराबर होती है और ये भी ACCA हमें प्रोवाइड करता है. इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल CA से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें पहले 3 फाउंडेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं. उसमें आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सीखते हैं. और इस स्टेप पे ही मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जिनका साइंस में भी बैकग्राउंड है और वो साइंस में भी काम करते हैं. तो ये जो शुरू के 3 पेपर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आजकल जितनी ज्यादा आपकी ब्रॉड पोर्टफोलियो होता है उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है. तो जो साइंस के लोग हैं वो भी डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं इन 3 पेपर्स को देख के. और इन 3 पेपर से आप अपने एम्प्लॉयर्स को ये बताते हैं कि मुझे सिर्फ साइंस की नहीं, मुझे अकाउंट्स की भी नॉलेज है और भले मैं किसी भी बिजनेस में काम करूं. जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स अमेजोन में काम करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स ओरिगो जैसी कंपनी में काम करते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड और बिजनेस बेस्ड कंपनीज होती हैं, पर फिर भी उनको साइंस और इंजीनियरिंग की जरूरत होती है. उसके बाद हमारे स्किल लेवल के एग्जाम शुरू होते हैं और यहाँ पे ACCA और CA की डिफरेंसेस आने लग जाती हैं. CA में जब हमें सारी चीजें एक साथ पढ़ाई जाती हैं, इन ACCA एवरी पेपर इज इट्स ओन टास्क. आपको लॉ अलग से पढ़ाते हैं, आपको रिपोर्टिंग अलग से पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट और फिर अपने जो सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के वो सारे एक अलग अलग पेपर में पढ़ाए जाते हैं. और एक जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए थी, स्कूल की पढ़ाई मुझे ऐसा लगता था जैसे हम खुद को एक फाउंडेशन दे रहे हैं, हम खुद में जितनी ज्यादा नॉलेज डाउनलोड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर ACCA हमें डायरेक्टली टूल्स देता है जिसको लेके हम सीधा वर्कफोर्स में जा सकते हैं. एक इतनी शॉकिंग चीज मुझे लगी कि जो लॉ का पेपर मैंने दिया, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर मैंने दिया और फिर जब मैं ऑफिस में गया और काम करने लगा, मुझे इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज लगी. बस 1-2 चीजों में मुझे डिफरेंस समझना पड़ा कि शायद दुबई में ये चीज ऐसे होती है और UK में ऐसी होती है, पर इतनी ज्यादा एप्लीकेबिलिटी और रिलेटेबिलिटी सही में बहुत ज्यादा कीमती थी मेरे लिए. तो उससे मेरे मन में ये कॉन्फिडेंस आया कि दैट आई एम नॉट स्टडिंग जस्ट टू अक्यूमुलेट इन्फॉर्मेशन, आई एम स्टडिंग टू एक्चुअली हैव टूल्स दैट विल अलाउ मी टू डू वेल इन द वर्क फील्ड. तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक का. आगे जाके इन स्किल लेवल एग्जाम्स के बाद हम एडवांस लेवल के एग्जाम्स देते हैं. उसमें होता है जो हमारे स्किल लेवल के एग्जाम्स हैं उन्हीं को ही हम और ज्यादा गहराई से समझते हैं. आगे जाके एक पेपर आता है SBR जो हमें रिपोर्टिंग के बारे में और ज्यादा सिखाता है, और एक और पेपर होता है SBL जो हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर बनने के बारे में सीख देता है. इन दोनों को देने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. फिर आगे जाके हमारे पास 2 और एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमें ऑप्शन मिलता है एडवांस ऑडिट, एडवांस टैक्स, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस रिपोर्टिंग के बीच में. और इस सब के
इन इनमें से आप दो एग्जाम चुन सकते हैं और आप जिस भी डायरेक्शन में अपनी अपने करियर को ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं. अनदर बिग एडवांटेज दैट ACCA प्रोवाइड्स इज अ स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द वर्कप्लेस. ACCA लाइक CA बैक इन इंडिया हैज अ रिक्वायरमेंट वेयर यू हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर यू बिकम अ प्रॉपर मेंबर. इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन यू रिमेन an associate until you have completed 3 years of work experience. And that you can do even while you're completing your papers or even before that. So there is very little barrier to entry in ACCA. The only true barrier that I felt is your own hard work. Just the way Mr. Jangir was speaking before me, how you should emphasize on your net time. If you're actually able to put in the amount of hours that you need to day by day, no paper is difficult. And no achievement in life in general is difficult. You just need to have the ability to gauge your own talents and where your passion lies. And you can shoot towards the star with that. So with that being said, the only barrier to entry being hard work means that if you want something and if you have a desire towards it, you should treat it like a burning candle. A burning candle is delicate, but it can last for a really long time as long as you have it covered and you keep making sure that it is burning within you. There would be days where you don't feel like studying. I have a paper in the next 5 days. And even now, there are some times where it is difficult to engage my focus. But agar aap utta kar paye aur khud ko time de paye jo aap chahte hain, to ye papers bahut aaram se nikal sakte hain. मैं जानता हूं आप सब में से काफी सब इंडिया में भी होंगे और इंडिया में ACCA और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है. अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में पूछेंगे तो कभी कभी ACCA BBA के साथ भी प्रोवाइड होता है, विच इज BBA विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस. तो मैं आप सबके लिए दोबारा ये चीज बोलूंगा, BBA विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस. और अगर आपके पास पहले से एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको ACCA से बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं और आप सीधा अपने एडवांस लेवल के पेपर्स दे सकते हैं. मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके आसपास जो भी स्टडी और ट्यूशन प्रोवाइडर है आप उनसे बात करें. दुबई में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, जैसे PwC, KPMG, फीनिक्स. आप किसी से भी बात कर सकते हैं और वो आपको पर्सनल वे में गाइड कर पाएंगे. एंड आई होप कि मेरा ओवरव्यू आपको हेल्प करे आपके डिसीजन में. और एक लास्ट चीज बिफोर आई लीव यू ऑफ, ACCA एक ऐसा कोर्स है जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने अपने से बहुत छोटे लोगों से भी मुलाकात हुई है मेरे पेपर में और मेरे से बहुत बड़े लोगों से भी. और एक चीज कॉमन देखी है कि वो सब कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और वो जो वॉन्ट टू लर्न है वो ACCA फ्यूल प्रोवाइड करती है उसको. नो मैटर इवन इफ यू आर इन स्कूल इन 10th 11th, अगर आपको पता है कि आपको फाइनेंस में जाना है आप ACCA के पेपर्स देना स्टार्ट कर सकते हो. और अगर आप बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं और आपको फिर से अपनी नॉलेज को फ्रेशन अप करना है फॉर द न्यू जनरेशन तो भी आप ACCA कर सकते हैं. होप दिस ऑल हेल्प्स एंड प्रोवाइड्स अ मैसेज टू ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ यू.